हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी 9th की मैथमेटिक्स के साथ। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। आज आपका एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें का सवाल नंबर सेकंड है। आप ध्यान से देखो तो आपके सवाल में ऐसे बहुत बड़ा सा सवाल लिखा है, उसमें कुल मिला के यही करना है कि जो नीचे कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा ज्ञात कीजिए, मतलब डेफिनेशन दीजिए। अगर मैं पूरा सवाल पढ़ के सुनाता हूँ तो आगे भी सुन लो, आगे क्या लिखा है, परिभाषा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं या कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला नंबर है बच्चा समांतर रेखाएँ। समांतर रेखाएँ पहले आप इसे अच्छे से समझ लो, फिर लिखना या ना लिखना ये आपकी मर्जी है। देखो, समांतर रेखाएं अक्सर होती क्या हैं एक्चुअल में, जैसे मैंने ये दो पेन कर दिया ना, तो ये समांतर रेखा है। आपने रेलवे की पटरी देखा होगा, हमेशा ऐसे होती है, ऐसे तो नहीं होती ना, एक पटरी इधर को एक इधर को, नहीं ऐसे होती ना। रेलवे की पटरी हमेशा क्या होती, समांतर होती है। जैसे देखो ये दो, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अभी इन्हें परिभाषा लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। इनको बच्चा चाहे जिधर को बढ़ाओ और चाहे जितना बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे पर चढ़ेंगी नहीं, मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसके विपरीत वह रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने के बाद एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाती हैं, भैया ये इसको मैथ की भाषा में चढ़ना नहीं बोलेंगे, प्रतिच्छेदित बोलेंगे, हाँ इंटरसेक्ट बोलेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या समझ में आए इन दोनों में, वह रेखाएँ जो कभी नहीं मिलती हैं, वह रेखाएँ जो एक दूसरे में कभी नहीं मिलती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लिखो कॉपी खोल के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा आज, याद रखना। देखो प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, अनुष्का और कौन है भैया, प्रीति और मोहित, मैं देख पा रहा हूँ सबका कमेंट, मैं किसी का कमेंट नहीं बोलूँगा। अगर पढ़ना है तो प्यार से पढ़ लो, लिख लो, सोचो कि हम सबका कमेंट बोलें तो फिर हो गई पढ़ाई। हाँ तो समझ गए, वह रेखाएँ जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं समांतर रेखाएँ कहलाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल सीढ़ी है आपके घर में, अगर आपके घर में बांस वाली सीढ़ी जिस पर चढ़ते हो तो उसमें डंडे जो हैं देखो समांतर क्रम में ऐसे लगे रहते हैं। हाँ, बाकी लंबवत रेखाओं का एग्जांपल ये है, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं जबकि लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो ये होंगे इसके एग्जाम्पल और इनके परिभाषाएँ, आप इन्हें फट से लिखो। इनका एक और परिभाषा आप सुन लो, ये लंबवत रेखा का, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि सरल रेखा पर सरल रेखा मतलब जो सीधी रेखा पहले से खींची है, इस पे समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरल रेखा पर समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है, मतलब जो 90 अंश बना दे सरल रेखा पर। ये हो गई। एक दूसरी परिभाषा ऐसी हो सकती है कि सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, ये सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, इधर भी कोण बनाती है, इधर भी बनाती है, यहाँ यहाँ, वो लंब रेखा कहलाती है। तो लिख लो, सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो समकोण बनाती है लंब रेखा कहलाती है।